ग्रेजुएशन और बीएड के एडिशनल पेपर देने के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हैं, सैड हैं, परेशान हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। तो मेरे एक जो चैनल पर है कमेंट्स आ रहे हैं, प्लस मुझको जो फ़ोन पर डिस्कशन हो रही है, कई तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते करते 2-3 दिन हो गए मैं कर रहा हूँ, इवन यूनिवर्सिटी के इंक्वायरी सेल से भी प्रॉब्लम कई सॉल्व नहीं हुई, ऐसी प्रॉब्लम है। तो दैट इज़ वाई टेंशन होती है, लेकिन इस वीडियो में कोशिश ये होगी कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन में डिस्कस कर सकूं। पहली प्रॉब्लम आपकी है कि सब्जेक्ट जो है वो किस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट दिया जा सकता है। 3 तरह के कैंडिडेट हैं, एक तो विद इन पंजाब उसी यूनिवर्सिटी में ही हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट नहीं कर रहे, मतलब फॉर एग्जांपल आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से बीए की है, वहीं से बीएड कर रहे हो तो आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि विद इन पंजाब माइग्रेट हो रहे हैं, जैसे गुरु नानक से पीयूपी या गुरु नानक से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में माइग्रेट हो रहे हैं। तीसरा है कि जो पंजाब से बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट का ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इनका पॉइंट क्या है कि ऑल सभी सब्जेक्ट को करवाते हैं ये, लेकिन प्रैक्टिकल के एडिशनल पेपर बीए के का एग्जाम्पल नहीं मुझे मिली। लेकिन जब इंक्वायरी पर फोन किया जाता है तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सभी पेपर करवाती है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन अदर यूनिवर्सिटी है कि ये अदर यूनिवर्सिटी को नहीं करवाती, पर सिर्फ एक पंजाबी PUNJABI पंजाबी का पेपर ये अदर यूनिवर्सिटी को भी करवाती है। तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हो गए रिगार्डिंग। तो एरिया के रिगार्डिंग इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन है, लेकिन पंजाबी एक ऐसा सब्जेक्ट बन रहा है जो सभी यूनिवर्सिटी कहीं से भी आप आए हो करवा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के निर्देश हो सकते हैं क्योंकि पंजाबी को बढ़ावा देना है। दूसरा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो है ये विद इन पंजाब, ये सब्जेक्ट है ना, ये लिख दिया पंजाब है ना, पंजाब के सारी यूनिवर्सिटियों को कराते हैं, बेशक वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, PTU क्यों ना हो, लवली प्रोफेशनल संधवा विभाग से कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, उसको कराते हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को भी करवाते हैं। इट मीन ये पंजाब की सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेलकम है पंजाबी यूनिवर्सिटी का। और इनका जो सब्जेक्ट की लिमिटेशन क्या है कि ये प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करवाते हैं, TH थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ये कांटा है, क्रॉस लग गया यहाँ पर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ये एडिशनल पेपर नहीं करवाते, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी करवाते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है, ये सिर्फ लैंग्वेज को करवाते हैं, लैंग्वेज में मेनली आपकी इंग्लिश पंजाबी हिंदी आती है, लेकिन और लैंग्वेज भी इंडिया की हैं जिनको ये करवाते हैं, आप कर सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा पॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आज ही पता लगा क्योंकि मेरे जो है ये ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी को करवाते हैं, ऑल इंडिया मतलब के जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का नैरोएस्ट पॉइंट है सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी को करवाते हैं, सिर्फ पंजाबी, दूसरों को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो है पंजाब सारे को करवा रही हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सारे इंडिया को करवा रहे हैं। तो जैसे जम्मू से मुझे फ़ोन आया, जम्मू से भी है, हरियाणा से, बाकी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से फ़ोन आते हैं कि सर हम क्या करें, तो उनके लिए ये ऑप्शन बच रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी, जो सोशल साइंस और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, जो सोशल साइंस की प्रॉब्लम है अदर स्टेट से हैं, उनका कोई सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन जो लैंग्वेज वाले हैं वो सभी यूनिवर्सिटी करवा रही हैं। हाँ, दूसरा अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर आप बीएड के साथ साथ करना चाहते हो, यहाँ लिख देता हूँ, बीएड के साथ साथ आप बीए का करना चाहते हो, नॉर्मली बीए का मतलब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो प्रैक्टिकल भी करवाती है, लेकिन ये आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका सलूशन ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए इसको रब कर दूं, इस सारे को ऐसे करता हूँ, रब कर देता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में आपने कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर ये वाला, जिस यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गए हैं, यहाँ से आपने बीए की हुई है और यहाँ पर आप बीएड कर रहे हो, जहाँ आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीएड के लिए जा रहे हो,
तो आपको क्या चाहिए, ये बेटर बेटर है आपके लिए कि अगर आप जहाँ जा रहे हो तो यहाँ पर माइग्रेशन आपने ले लिया है, लेना पड़ेगा, वैसे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से आप बीएड कर रहे हो, वहाँ से ही आप बीए के एडिशनल एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भी और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दोनों ही अलाउ करते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो फिर भी सोल्यूशन है, लेकिन अगर आप कलर चेंज करके रेड वाला पिंक वाला करके यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से गुरु नानक में आ रहे हो, जहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से गुरु नानक में आ रहे हो, तो आप पंजाबी का सिर्फ दे सकते हो, आप पंजाबी का दे सकते हो, अदर का जो बीए का एडिशनल है वो नहीं दे सकते, फिर आपकी प्रॉब्लम है। दूसरा बीएड की बात है, बीएड की बात भी अगर आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से आपने बीएड की हुई है, कोई और कोर्स करने के लिए इधर जा रहे हो, है ना, तो आप यहाँ से बीएड का, यहाँ से भी बीएड का एडिशनल पेपर दे सकते हो, लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी से की हुई बीएड को, यहाँ पर रेड कलर कर दूँ ये वाला, यहाँ से बीएड, ये बीएड नहीं, ये भी क्रॉस है, और यहाँ से भी बीएड, यहाँ से ये भी क्रॉस है, बीएड नहीं करवाते। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अदर्स को बहुत कम एंटरटेन करती है, तो आपको माइग्रेशन का फ़ायदा ले लेना चाहिए। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपका क्लैश की प्रोबेबिलिटी जो है ना, यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या कौन सी लिखी थी वो दोबारा लिख देता हूँ इस कलर से, ये रही जी एन डी यू और ये रही पी यू पी और पी यू सी, ये रही, और क्लैश की, क्लैश में पहली बात कि फर्स्ट सेम है, ये रहा यहाँ से चला यहाँ, कलर चेंज करेंगे यहाँ तक, ये आ गया फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड और फोर्थ, ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4। अब थर्ड सेम में क्योंकि टीचिंग प्रैक्टिस है, इंटर्नशिप है, तो किसकी बीएड की होगी ये, तो अगर बीए के साथ ये थर्ड सेम क्लैश नहीं कर सकता, ये पक्की बात होगी, इट मींस कि प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई है। दूसरी बात कि डेट शीट का मैंने ही सुजेशन दिया था कि डेट शीट को मैच किया जा सकता है, मैंने डेट शीट भी कोशिश की, मैंने तो टेट की तैयारी करवानी थी, ये आपके क्वेश्चन तैयार करवाने थे, लेकिन ये मैं आपके इसमें मेरा टाइम लग रहा है, तो ये डेट शीट जो है कोविड की वजह से, जब पिछला जो हुआ था कोविड की वजह से डेट शीट जो बीएड की थी लेट हो गई थी, तो क्लैश हो ही नहीं पाया था, तो असल में अब क्या डेट शीट आएगी इसकी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। तो आप टेंशन ले रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हो, टेंशन नहीं लेना, हम जो कर सकते हैं वो करना है। एक तो है कि हम थर्ड को चूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, रिस्क इज़ इक्वल, अगर आपको लगता है आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, अगर यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका क्लैश होता है, तो आप तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप बीएड का जो है पेपर छोड़ देते हो, तो यहाँ वाला एक वाला पेपर ये थर्ड में जाके हो जाएगा, विद इन पीरियड में हो गया आपका, और अगर सेकंड वाले में आती है तो ये फोर्थ में, कलर चेंज करके बताता हूँ, ये फोर्थ में जाके, ये वाला जो है फोर्थ में जाके हो जाएगा, विद इन पीरियड हो गया ना, तो ये ऑप्शन है, तो आपने बीएड का छोड़ देना है, बीएड का ऐसे हो जाएगा, तो ये तीन ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास। हाँ एक और, जैसे वो गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर, वो लड़की अमृतसर वाले सुखदीप, उनका फ़ोन आया, वो कहते कि उन्होंने एडिशनल फिल करना था, वो क्लैश से बहुत डर रहे हैं, टेंशन में थी, तो मान लीजिए वो जलंधर में आ गए हैं, ये देखिए ये वो ये तभी सोल्यूशन आया, जलंधर में आ गए ना। दूसरा वो बीए के लिए जो सेंटर फिल करना है वो ASR अमृतसर कर रहे हैं, तो ये ऐसा मत कीजिए, आप एक ही सिटी में दोनों का सेंटर फिल कीजिए। कारण ये है कि मान लीजिए एक बीएड का आपका सुबह का पेपर आ गया और शाम का बीए का आ गया, उसी दिन आ गया, क्लैश हुआ लेकिन टाइम का नहीं हुआ, दिन का हुआ, तो ये तो प्रोबेबिलिटी संभव है ना, आपने बीएड का एग्जाम दे दिया प्रेजेंट हो और बीए का शाम का है, 2 घंटे बाद है, वो भी दे दिया, अगर वो तभी संभव है अगर आपने सेम सिटी में सेंटर फिल किया है, इसलिए सेम सिटी में ही सेंटर प्रेफर करना चाहिए। ये मैंने पॉइंट भी बनाया है कि सेंटर, अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सेंटर कौन से बनाए जाएंगे, जो बीएड या इसके एडिशनल जो है बीए के, देखिए जो बीएड का है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है
उसी कॉलेज में होगा, लेकिन बीए का क्या होता है, अगर एडिशनल की नंबर ऑफ कम हो, नंबर जो है वो कम है, ये कम वाला है ये ज़्यादा वाला है, अगर तो कम है तो फिर जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल जीएनडीयू अमृतसर में है, एएसआर में है, तो अमृतसर में सभी का सेंटर बन जाता है। दूसरा है कि अगर ज़्यादा हैं नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं तो फिर डिवीज़न हो जाती है, लेकिन इस डिवीज़न में भी मेन सिटी जो है, फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का अमृतसर है, जलंधर है, जो नवांशहर है, तो ये मेन सिटी बनेगी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का है, पटियाला होगा, बठिंडा होगा, है ना, तो बड़ी बड़ी सिटी जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो ही मेन सिटी बनेगी, वही आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर बन सकता है। एक और पॉइंट लिखा था फीस का, फीस का पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की सबसे कम फीस है, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेरी नहीं करती फीस, फीस आपके जो कैफे वाले दुकान वाले हैं वो आपको 1.5 गुना करके बताते हैं, वो आपको डेट गलत बता रहे हैं। मैं हर बार कह रहा हूँ कि कॉन्शियस हो जी, आप जो यूनिवर्सिटी की, मेरे पर विश्वास मत कीजिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो चेक कीजिए, और मैंने इस वीडियो के नीचे भी नंबर दे देता हूँ, तीनों यूनिवर्सिटियों के इंक्वायरी के नंबर दे देता हूँ, बड़े अच्छे हैं इंक्वायरी वाले, जवाब दे रहे हैं। कई बार वो बिजी होते हैं, बड़ी टफ जॉब है उनकी, तो एक बार नहीं उनसे ब्रीफ में टू द पॉइंट बात कीजिए, सर एडिशनल ग्रेजुएशन की लास्ट डेट क्या है, बस इतना बोलना, सत श्री अकाल नमस्ते कुछ भी नहीं कहना, तो ये आप पूछ सकते हो, वो मैं इंक्वायरी के नंबर दे देता हूँ, कोई और डाउट है वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। आप झूठ को बेस ना बनाने दीजिए, ना बनाइए, ये मैं चाहता हूँ कि, है ना। तो ये फीस का हो गया, फीस कॉलेज की वेरी हो सकती है, वो नॉर्मली 5,000 से सारी 2 साल की, सॉरी 3 सेमेस्टर की, 5,000 से 10,000 तक वेरी कर रही है, डिपेंड करता है। लेकिन आज सोशियोलॉजी वाला आया, एक फ़ोन के सोशियोलॉजी का करना है, सोशियोलॉजी को नहीं मिल रहा, तो वो कॉलेज वाले लालच कर रहे हैं, वो कल्ले कॉलेज वाले 15,000 सिर्फ उसकी फ़ीस बता दी उन्होंने, और मतलब देखिए 25-30 हज़ार में उनको पड़ रही है, तो ये दुकानदारी जैसे ऐसे शुरू हो जाती है, वो एजुकेशन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो इसके नीचे कीजिए, लेकिन और जो क्वेश्चन इसके एडिशनल के है साथ में वो बता देता हूँ। सर प्लीज़ अपलोड कंटेम्प्रेरी, ये मैं क्वेश्चन पेपर सारे कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सर प्लीज़ ग्रेजुएशन के एडिशनल पेपर के एनुअल का प्रोसेस पर वीडियो बना दो, मैं किस में है ये, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पर है, देखो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ये जो है एनुअल कहाँ गया, ये एनुअल है पंजाबी यूपी और पीयूसी, यहाँ पर ही जाता हूँ बोर्ड पर, क्योंकि तीनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। कि क्या क्वेश्चन था, कि एनुअल की प्रॉब्लम है जीएनडीयू की और पीयूपी की, पीयूसी की, पीयूसी, ओके, ये आ गया एनुअल। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एनुअल में अगर आपने बीएड या बीए की हुई है तो वो एनुअल का ही सिलेबस और एनुअल सिस्टम में रखती है, एनुअल को एनुअल में ही रखती है। लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ए फॉर एनुअल और ये भी ए फॉर एनुअल और ये इसको क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, ये पेपर किस में लेगी, सेमेस्टर में ही लेगी। जब सेमेस्टर में जो यूनिवर्सिटी ले रही है कुछ भी उसमें पूछने की ये बात नहीं है, तो वो ये जो होगा करंट ही होगा, करंट सिलेबस, क्या सिलेबस, ये सिलेबस करंट ही होगा, ये एनुअल का जो है सिस्टम वो करंट नहीं होगा, वो 2000 मेरे ख्याल में, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, 2015 जब शिफ्ट हुआ था, 14 या 15 में लास्ट, जब ये एनुअल से सेमेस्टर में शिफ्ट हुआ था, लास्ट सिलेबस वो ये होगा एनुअल वालों का। अगर आपने सेम में की हुई है, सेमेस्टर में की हुई है, तो सेम वालों का जो प्रेजेंट करंट ही होगा, बेशक वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो ये रहा आपका एनुअल का प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सर व्हाट विल बी द सेंटर फॉर एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम, आपने यूनिवर्सिटी नहीं बताई पीयूपी का, तो मैंने उत्तर दे दिया है सर, एक वीडियो सिलेबस से लिटरेचर से ग्रेजुएशन है, मैंने गल नहीं समझ आई। सर एडिशनल सब्जेक्ट असी सेम टू सेकंड च रख सकते हैं, हाँ रख सकते हो, सेम टू च नहीं है, जहाँ ये होएगा सेम फर्स्ट ते
विच शुरू होएगा या थर्ड ते शुरू होएगा, सैकेंड ते थर्ड है ना, फस्ट तो चलेगा जो बी एड है तो तीन च चलेगा, नॉर्मली तिना च नहीं दो च चल जाता है, तीजे सैम का पहले दे नाल ही हो जाता है। पता नहीं गल समझ आ रही है, एडमिशन तुसी जां फर्स्ट च लै सकते हैं जां थर्ड च लै सकते हैं, सैकेंड सैम च या फोर्थ सैम च एडमिशन नहीं होंगी क्योंकि ऑड जिहड़ा एडमिशन का टाइम यही बनता है। ठीक, सो तुसी सैकेंड नहीं थर्ड विच फिर एडमिशन लोगे जो तुहाडी टीचिंग प्रैक्टिस लगी होगी। योर एग्जाम कदों होने बी एड दे, दिसंबर ते जनवरी दे विच, जनवरी दे फस्ट वीक तक एंड हो जाता है, दस दिन दे विच विच तक या सैकेंड वीक तक। 9060 फीस अडिशनल पेपर दिसंबर की है, जिहड़ी पंजाब अच्छा इत्थे भी लिखदा ए वाली जिहड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी है, कलर चेंज कर लैने मेरे हिसाब नाल ए वाला ए कर लईए। जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है ये भी टोटल लै रही है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भी टोटल लै रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सिर्फ जिहदा बी एड उहदा है बी ए का पहले तीजे पंजवें का पहला लाएगी, फिर दूसरी बार दो चार छे का लाएगी, इन्हां दी फीस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की फीस इस तरह है, लेकिन उसकी फीस रिलेटिवली थोड़ी है। सर प्लीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन एनुअल एडिशनल पेपर प्रोसेस बता दो, मैंने वीडियो भी रिलीज़ किया है उस देख सकते हो, सारे इंक्वायरी के नंबर भी बताते हैं। अब बीए का एडिशनल पेपर किस यूनिवर्सिटी में होगा, मतलब बात नहीं समझ आई आपका, बीए का एडिशनल का पेपर हर यूनिवर्सिटी में होता है, पीछे जो बात करके आए हैं आप किस बीएड कहां से कर रहे हो या माइग्रेट कहां हो चुके हो, है ना, ये आपने देखना है। अच्छा, कई केस ऐसे होते हैं कि जैसे एक लड़की ने जलंधर से बरनाला में बीएड की है और अब फिर बीए के ग्रेजुएशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नेटिव टाउन को चूज़ कीजिए, जैसे जलंधर में आप रह रहे हो इतनी दूर बार बार जाने की बजाय आप माइग्रेशन ले सकते हो। हाँ, अगर आपने दूसरा कोर्स वहाँ से अगला करना है कोई, फिर आप वहीं से कीजिए, तो ये सारे फैक्टर काउंट करने वाले हैं। सर आपका नंबर मिल सकता है, दे दिया है मैंने, सर मैं बीएड जम्मू से हो एडिशनल, आपका बता दिया है आपने, अगर तो लैंग्वेज में करना है तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आपका सोल्यूशन है, बीएड चंडीगढ़ से, ये नहीं पता चला क्या है। सर जीएनडीयू से बीए की थी, मेरे ख्याल में कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, मैं मिस कर रहा हूँ, तो ये गुरु नानक पंजाब यूनिवर्सिटी अब चंडीगढ़ का, सर मैं ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो कीती है, तो मेरे कोल सब्जेक्ट ने कौन से नंबर, एक हिस्ट्री ऐसे नहीं बोल देता हूँ, इलेक्टिव हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन होगी, कि मैनू एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, दस दो प्लीज़, तो नाल ही टी जी टी पी जी टी बारे ज़रूर दस देना। देखो जिहड़ा तुसी इलेक्टिव हिंदी है तुहाडा बेस्ट सब्जेक्ट बनता है, इलेक्टिव हिंदी जे तुसी पैडागोजी पढ़ ली है बी एड दे विच, है ना, हिंदी लै ली है, लै चुके हो, तो ये तुहाडा टी जी टी लई तुसी एलीजिबल हो गए हो। जे यही तुसी एम ए हिंदी भी कर लेंदे हो, एम ए हिंदी कर लेंदे हो, एच आई एन डी आई हिंदी हो गया, फिर तुसी पी जी टी लई भी क्लीयर हो गए हो, लेकिन हुण तुसी जे तो फिजिकल एजुकेशन रखी हुई है फिर टी जी टी लई एलीजिबल हो, पर एक साल का डिप्लोमा कुछ करना पैंदा है फिजिकल एजुकेशन का गौरमेंट जॉब लई। जे हिस्ट्री तुसी लैके चल रहे हो तो एम ए हिस्ट्री करन तो बाद तुसी पी जी टी हिस्ट्री लई एलीजिबल होवोगे। जे तुसी हुण एस एस टी लई एलीजिबल बनना है एस एस टी लई, तां तुहानू हिस्ट्री एक सोशल साइंस है, दूसरी सोशल साइंस और स्कूल साइंस ही मैं सुजैसट करांगा, पोलीटिकल साइंस जोग्राफी इकनोमिक्स इन्हां चों एक कर सकते हो, तुसी तुहानू ये एडिशनल देना पड़ेगा, उस तो बाद तुसी एस एस टी लई टी जी टी लई एलीजिबल हो जाओगे। जे एस एस टी लई तुसी टी जी टी लई एलीजिबल हो गए हो तां तुसी पी जी टी हिस्ट्री लई एलीजिबल नहीं हो, उहदे लई तुसी पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री तुहानू ही पढ़ना पड़ेगा, ये तुहाडा है। इस दे रिगार्डिंग एडिशनल दे रिगार्डिंग होर कोई कन्फ्यूजन हो तो दस सकते हो, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन विद रिस्पैक्ट टू एडिशनल पेपर बी ए एंड बी एड। थैंक यू।